काम और ज्यादा करने का। पहले मैं खाऊंगी, ठीक है? अगर तुम्हारी चॉकलेट अगर तुम्हें चॉकलेट खराब हो गई हो और इसे रीयूज करना हो तो कैसे करोगे? हाँ जी, अभी चलेंगे बाहर, पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी क्या है? तो भाई आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, घर का काम हो गया है। कल लाइट नहीं थी, आज लाइट है, बट आज लाइट डिम है। तो आज के हमारे सैफ है, मैंने कहा था ना कि अरुण कह रहे थे भाभी मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगा। तो अरुण देखो, वाह वाह कलरफुल, तो यहाँ पे इन्होंने, क्या बात है, मैगी इतनी कलरफुल दिखेगी विश्वास नहीं होता। ये कलरफुल मैगी, इसमें मटर, कॉर्न, गोभी, गाजर, प्याज और हरी मिर्च की भरमार है। अरुण बहुत स्पाइसी हो जाएगी। तो यहाँ पे अरुण बना रहे हैं मैगी, और वो मैं कह रही थी ना कुछ 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 बनाना सीख रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट हमेशा टॉप पे चला जाता है। तो उनका मन करता है कि मैं अच्छा बना लेता हूँ तो दूसरों को भी बना के खिलाऊं। तो मॉर्निंग में अरुण तो नाश्ता करा रहे हैं मैगी का, उसके बाद मामी बना रही हैं आज आलू के पराठे। तो खाने से तो आज मैं फ्री हूँ, मामी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी, अरुण के साथ नहीं करा पाई क्योंकि अरुण जब वेजिटेबल्स कट कर रहे थे तो उस टाइम पे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, इसलिए मैंने हेल्प नहीं करा पाई देखो। और एक मिनट भाई, हाँ ये आ गई हमारी मैगी, ये और ये अरुण सैफ। तो यहाँ जा रहे हैं अभी वेजिटेबल्स। वैसे ये मैंने बनाने सिखाया था ना तुम्हें, ऐसे एक बार मैंने खिलाई नहीं थी तो वैसे उठा के। ये सारी सब्जियां गई, और चलो तुम बना लो, मैं छत पे जा रही हूँ, वही खाएंगे बैठ के। अच्छा, गैस और काम और ज्यादा करने का भी आइडिया हो गया तुम्हें? किस टाइम पे ज्यादा होनी चाहिए, किस टाइम पे कम? आरवी यहाँ पे बेचारा वेट कर रहा है। आरवी आपको क्या खाना है? आरवी बहुत देर से मैगी बना दो चाचू, मैगी बना दो बेचारे। मैं मैगी बनने में अब थोड़ा तो टाइम लगेगा, आरवी समझते नहीं हूँ बात को। क्या है ये? बोलो मैगी है। मैगी मैगी है, मैगी है। बोलो आ जाओ आप भी खा लो, आ जाओ आप भी खा लो। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम आगे मिलते हैं, अरुण की रेसिपी काफी अच्छी सी तो लग रही है, खुशबू भी अच्छी अच्छी आने लगी है, देखते हैं कि बनने के बाद कैसी लगी। लोग अभी छत पे आ गए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल शिमला और मनाली वाला मौसम है, तो हम मैगी भी यही बैठ के खाएंगे। अरुण ले आए मैगी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। मामी यहाँ पे कपड़े धो रही हैं, थोड़ी देर में मैं भी धोऊंगी, पहले मैं मैगी खा लेती हूँ, मैं उसके बाद धोऊंगी कपड़े। वो बेड शीट बिछा लेते हैं अरुण यहाँ पे, ये देखो अरुण की मैगी। अरुण आरवी यहाँ पे इंतजार में, बाबू चाचू आपको मैगी नहीं खिला रहे? आरवी मेरे साथ हो, ये बहुत ड्रामे को लड़का है, देखो आरवी है दून हनी, आ जाओ आ जाओ मम्मी, हाँ थन 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 लग रही है, ये देखो गरम गरम मैगी और इस वजह से निकल रहे धुआं। बस एक चीज की कमी है अरुण, पहाड़ नहीं दिख रहे उस पर। पहाड़ वाला है कहीं से आर्टिफिशियल। हेलो भाभी, अरुण को दिया ये, चलो ना रहो भैया, तेज है आरबी के साथ। मैं कह नहीं रही थी तुमने हरी मिर्च बहुत तेज डाली, दो मिर्च डाली बस, तुम मेरे खाकर देखो।
पहले मैं खाऊंगी ठीक है। क्योंकि बेटा ये गर्म है, आपको खिलाती ना तो बहुत गर्म होता है। आ जाओ मैं ये खा लो। अरे मेरे बाल मन तो नहीं कर रहा पर मजा आ गया। तू बाहर कैसी लगी? पानी चाहिए। पानी लेके आऊं मैं कि नहीं? साथ के साथ सही है। कैसी लगी? बढ़िया मस्त। खाने में स्वाद है? है मम्मी। बस आज तो तुम राजी हो? क्यों? मैगी मिल गई तुम्हें? मैगी की हुड़क नहीं आ रही थी तुम्हें? आ रही आ रही मोन आ रही। मटर दिखाई ब्लॉग में? ब्लॉग में टमाटर दिखा दिए। तुमने देखे हैं आज टमाटर? हम इन्हें डेली देखते हैं और इस वाले पे तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना? भयंकर लग रहे हैं। पलवल का व्यू देखना, अच्छा नहीं लग रहा? पलवल है ना का अच्छा। ना उम्मीद। अभी छत से आने के बाद मैं जा रही हूँ सबसे नीचे मामी के पास, जहाँ के मामी पराठे बना रही हैं। एक मिनट, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। ओह माय गॉड, कोई डर ही जाए मेरे से कल देख के। कौन है ये, कौन है? हाँ तो मैं आई हूँ नीचे और नीचे कोई भी नहीं है। मामी है ऊपर और ऊपर मामी क्या कर रही हैं आपने देख लिया, कपड़े धो रही थी। तो मामी जब तक कपड़े धो रही है तब तक मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ आलू के पराठे बनाने में। तो मामी कह रही थी कि थोड़ा सा आटा वाटा मार लेती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, सबको भूख लग रही है। थोड़ी थोड़ी सी मैगी तो सबने खा ली है पर फिर भी खाने का टाइम तो हो ही रहा है। मामी इतने में आएंगी जब तक मैं तैयार कर लेती हूँ आलू की चटनी बना लेते हैं और आटा मार के रख लेते हैं, ठीक है? तो ये है मामी की किचन। ये वाली किचन ऊपर वाली किचन से थोड़ी बड़ी है और चौड़ी भी है। वो थोड़ी ऐसे ऐसे लंबी लंबी है, ये चौड़ी भी है और लंबी भी है। भागो आप भागो, अब हनी तुम आराम से चाय पी लो ठीक है? तुम्हारे दुश्मन चले गए और यहाँ चाय की चोरी हो रही है। देखो पराठे खाते खाते लड़ गए इधर। काजल अभी ने यही बैठी थी और इनसे लड़ा था, लड़े ही जा रही। बेचारे पराठे छोड़ के भागना पड़ा उन्हें। काजल आ जाओ, चलो खा लो। हाँ जाओगी बताओ। ये ना इसलिए नहीं आ रही क्योंकि कल तो नहाई नहीं है, आज भी नहीं है। क्या हुआ आरवी? तो देख क्या हुआ आरवी, देखो आरवी को यूँ लग रहा है कि मैं ऐसे कोई 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 कुछ क्यों नहीं बोल रहा। अच्छा मतलब ठीक है ना, अब राज खुल गया, अब तुम सामने से जाओगी नहीं। चलो तो पराठे तो खा लो। ये देखो बथुए के पराठे काजल के रखे हुए हैं। चाय नहीं चुराई तो तुम पे ये चाय भी नहीं पी जाएगी, तुम इसे भी छोड़ दोगी। पी लो चलो। ओ ये क्या चल रहा है? मामी पराठे बना रही हो, स्लैब घिस रही हो। मामी बना रहे पराठे, बन गए? बन गए। ये लास्ट बच रहा है ना, अभी दो रहे। अच्छा दो रहे। आज तो मामी ने खाना खिला दिया, थोड़ा बचा अरुण ने खिला दिया था पहले और मेरी छुट्टी। अभी मैं क्या ही बताऊँ, व्लॉग का समझ में ही नहीं आता कहाँ स्टार्ट किया जाए और कहाँ ख़त्म। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं, अरुण बना रहे हैं चाय और चाय भी कुछ डिफरेंट तरीके की, ये सीख कर आए हैं। यू बताओ तुम्हें तो कौन ट्रेनिंग दे रहा है पहले तो ये बताओ। हाँ है बिल्कुल, कतई भी ना आवे। कुकिंग करनी अब तक कर रहा हूं मैं। तो व्लॉगिंग चालू करी बात पहले से। तो अभी अरुण बना रहे, क्या बना रहे थे? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अरे तुम्हारी चॉकलेट, अरे तुम्हें चॉकलेट खराब हो गई हो और इसको रीयूज करना हो तो कैसे करोगे मैं बताती हूँ। ये अरुण पिछली बार आए थे, चॉकलेट लेके आए आरवी के लिए 160 रुपए की। तो ये चॉकलेट बहुत ही ज्यादा ड्राई ड्राई सी हो रही थी
अब मुझे ये सही नहीं लगी तो अरुण ने कह दिया अगली बार आऊंगा जब मैं तो तुम्हें चॉकलेट टी बना के पिलाऊंगा। अब आप समझ गए चॉकलेट टी किस किस ने पी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। और जिसने नहीं पी है, जिसको नहीं आती बनाने, वो अभी देख लें, अरुण बनाएंगे। खाने में डिनर में मैं बना रही हूँ पुलाव। मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडे ठंडे मौसम में चावल खाने का मजा है। हेलो गाइस, मतलब इतनी एक्स्ट्रा ओवर बोलने की क्या जरूरत है। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। और जो चाय नहीं पीते उनके लिए सही बताऊं तो मेरे ना कई दिन से लेमन टी पीने का मन कर रहा है। लेमन टी तो बहुत इजी है, मैं नहीं सिखाई थी तुम्हें, बहुत इजी है। तुमने कभी चक्के भी नहीं देखी थी लेमन टी होती कैसी है। और लेमन टी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। अरुण ने पहले पानी गर्म किया है, उसके बाद डाल दिया चाय पत्ती और चीनी इधर रखी है। ऐसे तुम तो अनाड़ियों की तरह बना रहे हो, बताओ अभी डाल दी है। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ हुआ चेंज इसका कलर। क्यों हो कलर चेंज? ठीक है, नहीं ये वैसे ही सेम बॉईल होने के बाद उसमें वो मिला दिया जाए दूध है। ठीक है, तो अब ये बन जाएगी, उसके बाद दिखाते हैं। तक अभी बन गई हमारी ये चॉकलेट टी, चलो इसे निकाल लो क्योंकि ये काफी देर से बॉयल हो गई है। तुम पी के बताओ। नहीं मैं नहीं पी, मेरे बिल्कुल मन नहीं। टेस्ट तो करो। मुझे अच्छी नहीं लग रही, बताओ। मुझे चॉकलेट भी बहुत कम पसंद है, शायद हो सकता है इसलिए अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लग रही है? मेरे को अच्छी नहीं लग रही। चलो जाओ अंदर दिया तरुण को। तरुण बढ़िया बढ़िया टप्पड़ी देगी तुम्हें।